एलडीए में मौजूद काली भेड़ों ने इस महकमे का वकार खाक में मिलाकर रख दिया है। जगह जगह नाजायज तामीरात और कब्जा माफिया की हमायत शहर के चेहरे का दाग बन गई है। ये वहदत रोड में इंतहाई अहम लोकेशन है, जहां मौजूद कमर्शियल तामीरात कानून का मजाक उड़ा रही हैं। ये जगह रहायशी है, लेकिन कब्जा माफिया ने बड़े धड़ल्ले से न सिर्फ दुकानें तामीर की बल्कि नाजायज तरीके से कारोबार को भी बढ़ाया। ज़राए का कहना है कि इन कमर्शियल तामीरात वो भी इंतहाई अहम लोकेशन पर ऐसे ही वजूद में नहीं आई, बाकायदा तौर पर भत्ता दिया जाता है और दीगर महकमों के अफसरान की आंखों पर भी रिश्वत की पट्टी बांधी जाती है। इस सिलसिले में जब हमने एलडीए के हुकाम से राब्ता किया तो उन्होंने भी रहायशी जमीन पर कमर्शियल तामीरात को तस्लीम करते हुए मौकफ इख्तियार किया कि इन दुकानों के कमर्शियल होने का प्रोसेस जारी है। अब सवाल है कि आखिर वो कौन है जिन्होंने यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू करवाई। कई साल से रहायशी जमीन पर जारी कारोबार के लिए बिजली कैसे इस्तेमाल की गई? किसी ने सवाल क्यों न उठाया? एलडीए हुकाम कहाँ है? इन्हें ये गैर कानूनी तामीरात क्यों दिखाई नहीं देती? और सबसे बढ़कर ये कि क्या एलडीए के साथ साथ दीगर मुतलका महकमों को भी हिस्सा पहुंचता है? ये सब हकायक सामने ला रहा है। अब होंगे वो चेहरे बेनकाब जिन्होंने लाहौर के हुस्न को गहना कर रख दिया है। देखते रहिए।